कान्यामान्या कुरु कोई को नहीं वोट दे। राजेंद्र जी राठौड़ आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, यह मैं चैलेंज करके जा रहा हूं आज किसानों की सभा में। अगर हिम्मत है तो राजेंद्र राठौड़ ये कह दे कि मैं चूरू से ही चुनाव लड़ूंगा, भगूंगा नहीं, तब मैं जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो नेता प्रतिपक्ष एक नेता है, नौजवान है ना। कई लोग रिटायर करवा की सोचे है, हाल तो मां से दुगुनी ताकत से काम करे के बाद की रिटायरमेंट है, मना बताओ। राजस्थान को अगर फायदा मिल रहा है अशोक गहलोत की योजनाओं से, तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान और राजस्थान में दोनों में सरकार बनाएंगे। क्या दिक्कत है बताओ, किस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग आए हो, लेकिन कमर कसनी पड़ेगी। कई चोटे आएंगे, कई पैकेट डालेंगे, कई तरह की बातें करेंगे और कहेंगे आरएसएस। अब की बार मेरे को कहते हैं रंधावा साहब कि आरएसएस चुनाव लड़सी, मैं क्यों है किसान मां जैसी ना आरएसएस ने बिल कौन ला दे बड़बा ने बिल कौन से बिल में बड़सी आरएस देखियो ना, थारे सामने तो हो ना आरएसएस ही तो हो। अब कल चुनाव में चेतन के सामने बीजेपी से आरएसएस ही तो ही और के हो, अभी आरएसएस को बेरो पड़ोगे खड़े गए हो। पांच साल में ढूंढता रहेगा लोग, कोई आरएसएस ला दी न कोई बीजेपी ला दी। अब कल एक बात जरूर है, राठौड़ साहब ने नेता प्रतिपक्ष बनाबा के बाद के मायने गांव गांव डांडिया डांडिया में घूमे है और बे आग कहवे है जगह भी जिले में जावे धीरे सी पांच चार के कन्या मान्या कुर करे के अब कल आपनो नंबर आ जाए थोड़ो ध्यान राख जो कान्या मान्या कुरू कोई को नहीं वोट दे। कान्या मान्या कुर से कोई वोट कौन दे, ये एससी एसटी ओबीसी और किसान और दलित, ये जिसको चाहेंगे राजस्थान में उसकी सरकार बनेगी। राजेंद्र जी राठौड़ आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, ये मैं चैलेंज करके जा रहा हूं आज किसानों की सभा में। और भाई जी हाल तो राजेंद्र जी राठौड़ सरक जाए चूरू से तो भी कोई बड़ी बात को नहीं है। आल तो चूरू के मायने किसान सम्मेलन उबाड़ो है कुछ दिनों के बाद में, और भी के बाद के मायने अगर हिम्मत है तो राजेंद्र राठौड़ ये कह दे कि मैं चूरू से ही चुनाव लड़ूंगा, भगूंगा नहीं, तब मैं जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो नेता प्रतिपक्ष एक नेता है। पता नहीं कहां जाएगा, किसका पता नहीं चलेगा, कौन है सीपी जोशी, कौन है प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, आधा परसेंट लोग नहीं जानते हैं। मेरे यहां कल परसों हुआ कि साहब सीपी जोशी जी आ रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता बाईपास पर इकट्ठे हो गए, मेरे को टेलीफोन किया कि साहब सीपी जोशी जी आ रहे हैं हम स्वागत करेंगे। अरे मगो वो तो बीजेपी वालों सीपी जोशी है आपणू को नहीं। तो बोलिया साहब मैं तो नेता के नाम से राजस्थान में कांग्रेस को जो लोग विधानसभा को स्पीकर है भी सीपी जोशी जाना दूसरे जाना ही को नहीं, इसलिए गलती से इकट्ठा होगा। कोई जानता नहीं है, कोई विजन नहीं है इनका, आपस में लड़ रहे हैं। आगे आगे राजेंद्र जी राठौड़ चाले, बगल में सीपी जोशी जी चाले, एक दिन बाद के मायने वसुंधरा जी चाले, चौथे पांचवें दिन गजेंद्र जी आ जाए, छठे दिन ओम बिरला जी आ टपके। अरे कताक मुख्यमंत्री उठे तो एक मनसी, अरे वो कांग्रेस को मनसी इतनी बढ़िया योजना जद राजस्थान के मायने है, महंगाई रात कैंप लाग रहे हैं, 10 तरह की गारंटी कांग्रेस दे रही है, तो एक किसान दलित ओबीसी महिला युवा बेरोजगार सब मिलकर के राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सपने देखे, सपने इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए भाइयों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके नेता में चेतन डूडी जी में दम है, आपके नेता में दम है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि कांग्रेस की सरकार में आज की तारीख में और आगे बनने वाली कांग्रेस की सरकार में चेतन डूडी का एक भी काम नहीं रुकेगा, यह मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह के जा रहा हूं। आपने हमें बुलाया, हमें सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।